जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपकी गुरु माँ फिर से एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इसमें जो मैं बताने वाली हूँ, अगले 7 दिनों का हाल कैसा होगा आपके साथ, वो सभी बातें कवर करेंगे। ये राहु होगा 8 से लेकर 14 नवंबर तक। वो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो खुशखबरियां पहले आपको सुना देते हैं। बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि गुरुमा आपसे मिलने के लिए टोकन नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, महीनों हो गए हैं, सालों हो गए हैं। तो उन सभी के लिए बाबा शनिदेव की कृपा से अब जो है बिना टोकन का दरबार लगने वाला है। लाल मंदिर बलजीत नगर पटेल नगर में लगाया जाएगा। हर गुरुवार लगभग लगेगा। 14, 21 और 28 नवम्बर को लगने वाला है। एक जटा वाला नारियल लाल कपड़े में बांध करके उसको लेकर के आए। आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। जितने भी लोग आएंगे, चाहे 100 आए चाहे 500 आए, मेरी कोशिश यही है कि मैं सबसे पर्सनली मिलूं। और जिनका कुंडली देखने के लिए लॉटरी में नंबर आएगा, उनको तो कुंडली हम देख के जरूर गाइड करेंगे। 11 बजे से 5 बजे तक ये आयोजित किया जाएगा, तो आप वहां मिलने आ सकते हैं। अब कोई टोकन नंबर नहीं लेना, बुधवार को कोई फोन भी नहीं करना है। दूसरा, जो लोग दिल्ली नहीं रहते या दिल्ली के आसपास नहीं रहते या विदेशों में रहते या बहुत दूर हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि देखो, नारियल तो अब आपको नहीं भेज सकते हम सिद्ध करके, क्योंकि वो रास्ते में खराब हो जाएगा या रास्ते में टूट जाएगा, तो उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक चांदी का जो नारियल है वो अभिमंत्रित करके, उसे अनुष्ठान करके मैं आपको भेजूंगी। एक बार आपसे बात करूंगी, समझूंगी किस मनोकामना के लिए आप करना चाहते हैं, और फिर आपको उसको अनुष्ठान करके प्रदान करूंगी। तो यदि आप दूर रहते हैं, निशुल्क दरबार में नहीं आ सकते, तो उस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। जो भी इंट्यूशन मिलता है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस बार ऐसी प्रेरणा लग रही है कि 7-7 दिन का आपको बताएं, तो वही हम बताने जा रहे हैं। इस राशिफल को यूज करने के लिए अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए। चंद्र राशि इज योर मून साइन। आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी ओरिजिनल राशि है। राशि मतलब मन जिस ओर जाए, कर्म भी उस ओर जाते हैं, हमें सब कुछ उसी ओर से मिलता है, सुख शांति धन संपत्ति सब कुछ। तो इसलिए राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके हिसाब से देखें, जिसे नहीं मालूम है, अपना डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो या तो दरबार में आपके हमसे एक बार मिल लेना, आपके चेहरे को देख करके हम आपकी कुंडली बना के आपको राशि बता देंगे। वो नहीं कर सके तो भी चिंता मत करें, जो भी नाम राशि है आपकी उसके अनुसार भी देख सकते हैं। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपकी एनर्जीज रीड कर रही हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ना कोई मैसेज मेरे द्वारा भगवान जी आपको देना चाहेंगे, जरूर बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है, ये जो 7 दिन है, आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इन 7 दिनों में आपने जो कुछ भी करना है वो अकेले ही करना है। मुझे आपको साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा अकेले ही आप चीजों को करेंगे, या फिर आप समझ गए हैं कि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने से अच्छा भी नहीं होगा, तो आप कुछ अकेला कुछ करने के लिए इस हफ्ते में निकलेंगे और वो आपके लिए अच्छा ही होगा। दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे एक तो बॉडी पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको होने वाली है, तो प्लीज उसका केयर कीजिए, स्किन केयर जरूर कीजिए, वरना बहुत ज्यादा व्हाइटनेस आपकी बॉडी पे मुझे दिखाई दे रहा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कफ एंड कोल्ड का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी में और ज्यादा कफ एंड कोल्ड बढ़ सकता है, ड्राइनेस बढ़ सकती है, खुश्की बढ़ सकती है, ये है। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ बढ़ सकता है। इस समय में आपका जो रुझान है वो अकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, नई नई चीजों को जानने की तरफ, कोई मंत्र पाने की तरफ या कोई ऐसा नंबर पाने की तरफ कि जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए, वो बहुत ज्यादा आपके अंदर जो भाव है वो बढ़ जाएगा। और सपने इस समय में आपको बहुत ज्यादा आएंगे। कुछ लोगों को अपने राइट हैंड साइड पे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी जो ब्लॉक हो रही थी एक तरफ, तो उसकी एनर्जी वो आपको भरपूर मिलेगी। तो कुछ लोगों को अगर ध्यान करते हैं तो जल्दी आप उसे को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नहीं तो टिंगलिंग सेंसेशन आपको हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं, वो बुरा नहीं है, आपके लिए अच्छी ही चीज है। अगर हम देखें आपके लव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो इस समय में पुरानी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। अगर रिश्ता खराब हो गया था, रिश्ता बिगड़ गया था, पार्टनर रूठ के चले गए थे या बात नहीं बन रही थी, तो वो आप फिर से किसी रीज़न से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, आमने सामने आ सकते हैं, और उससे आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सुधरेगा। मतलब डेफिनेटली आप ही उसको सुधारना चाहते हैं, आप ही एफर्ट लेंगे, आप ही बार बार कॉल करेंगे, आप ही बार बार मैसेज करेंगे या उनसे मिलेंगे या ढूंढेंगे उन्हें कि वो कहाँ है
इस समय, लेकिन चीजें सुधर सकती हैं, काफी सुधार आता हुआ मुझे रिलेशनशिप में लग रहा है। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, उनको पेरेंट्स की तरफ से आपके स्पाउस मतलब आपके जो पार्टनर हैं, जो लव इंटरेस्ट हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको पता चल सकती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस जो है वो हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में कोई एक व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। पता नहीं उसको क्या हो गया है, कि आपको देखना पड़ेगा कि घर में कोई नेगेटिव जैसा तो कुछ नहीं आपको लग रहा है, या उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, मतलब कुछ तो है। आपका घर में कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करेगा, शायद उनके साथ कोई बाहर कोई ऐसी घटना हुई है जिसका रिफ्लेक्शन घर में होगा, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बैड माउथ हो जाएगा, मतलब बहुत सारी ऊटपटांग की बातें बोलेगा, लोगों को हर्ट करेगा, और आप भी उन चीज़ों में आएंगे। आप उससे घबराएंगे नहीं, उसका वे आउट, उसका सोल्यूशन आप ढूंढेंगे, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन थोड़ी इशू आपकी फैमिली में आती इस 7 दिनों में मुझे दिख रही है। पिछले हफ्ते का जो राशिफल डाला उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि गुरु माँ कैसे हम पे सटीक बैठता है, कैसे हमारे जीवन को सुधार करता है। चलिए कुछ लोगों की बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। गुरुमा प्रणाम। आपकी भविष्यवाणी 95% सही होती है। गुरुमा आपकी कही हुई बात सभी सच होती है। जय गुरुमा, आपकी सारी बातें 100% सच होती है। पैरों की नसों में पेन होने की बात एकदम सच है। 17 सितंबर से पेन हो रहा है, अभी भी नसों में बहुत दर्द है। मैं 17 साल की हूँ और मेरी राशिफल सही जाता है। जय गुरुमा प्रणाम। गुरुमा 1 से 7 नवम्बर जो भी आपने बताया था बिल्कुल सही था। गुरुमा गुरुमा आपने जो भी बताया 100% सत्य है, मेरी लाइफ में भी सेम ऐसे ही हो रहा है। योर प्रिडिक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% राइट। ये सब बात आप सच कहती हो वीडियो में। गुरुमा मैं आपके वीकली राशिफल का इंतजार करती हूँ, उसी के अनुसार काम करती हूँ। मेरे लिए आपकी राशिफल एकदम पॉजिटिव रहती है। थैंक यू गुरुमा। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर अभी मैरिज की तरफ जा रहे हैं, मैरिज हुआ नहीं है, तो काफी लोग मुझे अपनी कुंडली मिलाते हुए, कुंडली मिलान करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास या किसी अकल्ट या मिस्टिसिज्म प्रैक्टिस जो करते हैं उनके पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जा सकते हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बाकी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आप होपफुल हैं कि चीजें बेटर हो जाएंगी, कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके पार्टनर जो है इस समय में कुछ चीजें आपसे छुपा सकते हैं जो आपको पता चल जाएगी, लेकिन वो सोचेंगे कि वो शायद आपसे छुपा लें, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, लेकिन कुछ छुपाते हुए वो मुझे लग रहे हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में किसी नई जगह इंटरव्यू देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका। कुछ एग्जामिनेशन, कुछ रिटन भी आप कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई रिटन एग्जामिनेशन है या कोई कुछ तो रिटन में आप दे रहे हैं अपनी कंपनी को, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। इस समय में अगर एचआर के साथ आपका इंटरव्यू होता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जो आपके जॉब लगाने के लिए मतलब कंपनी और आपके बीच में है, तो उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगा, तो वो जैसे कहते हैं आप वैसे करिए, आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। जिनका ऑलरेडी जॉब चल रहा है, तो जॉब में आप काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसे जेलिस हैं, आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं और वो आपको आपकी इमेज को खराब करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, तो वो उन लोगों से आप थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे आप सावधान रहेंगे नहीं, आप अपनी मस्ती में रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग मुझे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की यदि बात करें, तो इस समय में आप काफी वाइज हो जाएंगे, काफी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, काफी ज्यादा खुश भी रहेंगे, आपने जो कुछ भी अचीव कर लिया उससे, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उससे, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उससे, तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा कोल्ड से बच के रहेंगे, कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत लोगों के बाल झड़ते हुए या जल्दी सफेद होते हुए मुझे इन 7 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये 7 दिन आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छे जाए, ऐसी मनोकामना करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।